तरन तारण में सरेआम हुई इस गुंडागर्दी पर पुलिस की भूमिका संदेहास्पद रही। राहुल को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लाया गया और उसके सिर पर टांके लगने, MLR काटे जाने और घटना के CCTV कैमरे में कैद होने के बावजूद भी पुलिस देर रात तक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने से कतराती रही। हालांकि राहुल का हालचाल पूछने पहुंचे विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री के फोन करने के बावजूद भी पुलिस ने देर रात तक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। तो राहुल कुमार भाई तरन तारण से हैर भाई भाई यही ना बाईपास तो आने ही ठीक है अही ना EGZ के बाहर खलोते EGZ बाहर नंगे गड्डी वाला मुड़ के आया गड्डी वाला कोई गलबात नहीं कुछ नहीं कहा ठीक है सीधा लंघे वो पिछे मुड़ के आया चार खंबे चौंक जान के उन्हें मुंडे दे जिहड़ा पिछला मुंडा ही उन्हें चपेट मारी मुंडे दे सागर सियार भाई कोई रंजिश नहीं आपां भाई जी कह के बुलाने वाले बंदे आपां कहे नू आपां कहे के लड़े नहीं ना कुछ आपां कहे ना कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं आया भाई अही नंगे हैं बस मोड़न ने ठीक है बस अही नंगे हैं तो बस वह पिछे लिया गड्डी तेल लिया गए बोड़ी चौंक च कहिंदा तुसीं सानूं गाल कढ़ी आ अही कोई गाल नहीं कढ़ी कुछ नहीं बस वो तीन जने उहदे भरा ने लाइया भाई बब्बे सियाल ने भाई एक का नाम पता मैनूं दो का नाम नहीं पता एक सागर सियाल ही पता सीधी मतलब कि उन्हें सीधी मत्थे लिया के मारी पई उन्हें नहीं वेख्या बंदा अगे कड़ा कोई आ उन्हें सीधी लिया के मेरी सीधी मत्थे दे लिया के मारी पई जिससे शहर निवासी और राहुल के परिजनों में बेहद रोष पाया गया। घटना के 3 घंटे बीत जाने के बावजूद भी केस दर्ज ना होने पर रोष प्रकट करके थाने पहुंचे राहुल के परिजनों ने बताया कि एक अधिकारी के लड़के होने के कारण पुलिस दबाव के कारण आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही। जी अभी इतने रपड़ दर्ज कराने आए थे, साड़ी रपड़ दर्ज नहीं करते पे, इतने कोई सुनवाई नहीं आम बंदे की हैगी। 2 घंटे सानू हो गए खजल साहब बंदे अफसर के मुंडे ने तो कार्रवाई नहीं कर रहे, असं उन्होंने कहा रपड़ दर्ज करो रपड़ दर्ज नहीं करता पे। DSO इतने लोकल हैगी मुंडे ने दोनों एक नाम की नाम सागर सियाल तो एक बब्बा सियाल दोवें भरा ने दोवें भरावान ने इतने शरेआम गुंडागर्दी की है मुंडे को सट मारी है और सिर पड़ता वह CCTV फुटेज नाल दिखाई है पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई है तभी दर्ज करने तैयार नहीं है। MLA साहब ने कार भी अगले फोन भी किया कि अब 12 बजे पहले पर्चा दर्ज करना है इतने फिर सुनवाई कोई नहीं हो रही कार्रवाई नहीं कर रहे 2 घंटे हो गया भाई साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही 3 घंटे हो चले अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही साड़ी मंग यही कि सा कार्रवाई करती जाए पर्चा दर्ज होया जाए और बच्चे जो मुंडे जिन्होंने वारदात की फड़िया जाए साड़ी बिना दुश्मनी के सानू कोई बिना रंजिश देने मारकुट की है ये सरेआम गुंडागर्दी का एक मैटर है। घटना स्थल पर उपस्थित चश्मदीद ने बताया कि जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के लड़के सागर सियाल और बब्बा सियाल ने राहुल पर कृपान से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। रोई दे मोड़ तो गड्डी इलाने मोड़ी है इलाने गड्डी मोड़ के इलाने उत्ते चढ़ा के ब्रेक लाई है इन्होंने गड्डी मोड़ी है सागर सियाल उन्होंने इलाने उत्ते चढ़ा के ब्रेक लाई है मगर होर्न मारते आए तो राहुल ने मैं होली कर ला कोई नहीं तेनों जानू हाँ तो होली कर तू राहुल ने होली किया वा इतने सिलमे के बाहर आ गए सिलमे तो हौली हौली चलते हैं इन्होंने प्रमोद गोलगप्पे लागे आ गया अगे गड्डी लाती है इन्होंने पहलों चपेट मारी है मेरे फिर मगरे मारी है राहुल दे राहुल लाता ना शटर के नाल बाद चो इन्होंने कृपान मंगाई है भा इन्हें कृपान मंगा के मैनू राहुल ने कहा तू ऐन आप तुरे आने मैं राहुल कट्ठे मैं थोड़ी जगह राहुल पिछे है इन्होंने मगरों लिया राहुल की कृपान मारी है सिर से। इस संबंध में तरन तारण के विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने कहा कि देखो बहुत ही दुखदायी घटना हुई है एक नौजवान बेटा जिहड़ा कि बहुत ही शरीफ है शरीफ परिवार का संबंध रखता राहुल कुमार है उन्होंने 2 गुंडे अंसर ने जिन्हें कि बहुत सारिया घटनावान कीतिया ने किसी ने केस में इन्वॉल्व होंगे ने शहर के उन्होंने शरेआम जरा बाजार फट के वो दुकान के अंदर डरदा भजदा पिया जी तेज हथियार के नाल सट लाई है बहुत गरीब इंजरी हुई सट लगी है बाकी हूँ इस वे कंडीशन जी स्टेबल आ सारा शहर ही नाल असी मैं इस गल की बड़ी निंदा करता वा और सवेरे SSP साहब में मिल के सख्त तो सख्त जरा एक्शन दवाया जाए ता जो कि लोगों को नसीहत हो भी अजे काम अगर तो ना कर लेकिन जिला सुरक्षा अफसर है वह नाँ वा तो वह लड़के काम करते हैं ये जो दोनों इनके भरा वा इन्होंने हमेशा ही कोई ना कोई शहर योजी घटना की जड़िया कि समाज के जोड़ा है बहुत दुख पहुँचा देखो मैं सवेरे एक जी है DSP मिल के उन्होंने बुला के SSP साहब मीटिंग करूँगा भी जे गुंडे अंसर ने जिन्हों का शहर के ब्लैकलिस्ट है उन्होंने फड़ के जरा तो सख्त सख्त एक्शन लिया जाएगा आरोपियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी और शहर में किसी को भी गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी। खिलाफ FIR दर्ज हो गई है ते 2 बंदे खिलाफ हुई है सर की नाम है एक
ਸਾਗਰ ਸਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਸਿਆਲ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਕੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? 324, 506, 389 ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਜੋ ਬਿਆਨ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਧ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਮਐਲਆਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਟੀਵੀ ਕੇ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹੋਤਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।